अभी बस कुछ लोग होते हैं ना वो मिट्टी को हाथ डालें तो मिट्टी जो है वो सोना बन जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोने को हाथ डालें तो सोना जो है वो मिट्टी बन जाता है। तो यार जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारे दिल साहब जी। सर माशाल्लाह आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुएं हैं यहाँ पे, बहुएं बहु करो ना बहु अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खुर्रम मलिक की व्लॉग्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं, पहले तो आपका मैं चीज़ दिखाता हूँ, आपको आइडिया तो हो गया होगा कि मैं किधर घूम रहा हूँ। मैं अपने गाँव के अंदर हूँ जी, और सिलसिला ये था कि मुझे एक शादी के अंदर शिरकत के लिए आना था, और शादी है जी मेरे कज़न की। आज जो है उसकी मेहंदी है, और आज की मेहंदी है, कल की बरात है, और परसों का जो है ना वलीमा है। आज की मेहंदी है और उसकी मेहंदी में शिरकत करने के लिए जी मैं हूँ, और मेरे साथ भी मैं नहीं हूँ, मेरे साथ वकार है, ये मेरा कज़न है, और साथ सैफ अली है जी, ये भी मेरा कज़न है, और दोनों देख के लग नहीं रहा कि इन्होंने शादी पे जाना है। तो मतलब मेरा खैर कुछ नहीं यार, आना ना शादी पे, आना यार चलो अच्छा अभी जी हम सीन ये है कि पैदल जा रहे हैं क्योंकि गाँव दोनों जो है ना वो साथ साथ हैं। आप मेरी लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हैं ना, जो इस तरफ जो है यहाँ पे जी वकार का घर है, ये मेरा कज़न है, और इसके घर पे हमने स्टे किया था, इसके घर पे हमने जो है वो स्टे किया था। और जो शादी है ना वो सामने वाले गांव में, वो जो सामने आपको यहाँ से हम रोड सीधी लेके जाएंगे, वो जो यहाँ से आगे करके जो है ना आगे जी वो गाँव है, और उस गाँव में जो है ना मेरे कज़न की शादी है। तो एक गाँव से जी दूसरे गाँव तक हम जा रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है, ये सफ़र है, ये हम पैदल तय कर रहे हैं क्योंकि हमने सोचा यार ज़रा दोनों गांव जो है ना वो साथ साथ ही हैं, दोनों गांव साथ साथ हैं। हमने कहा चलो यार ज़रा वॉक भी हो जाएगा, और वॉक के साथ साथ ज़रा थोड़ी सी इन्जॉयमेंट भी हो जाएगी, और ज़रा चलना फिरना हो जाएगा, और ज़रा मौसम भी जो है ना वो इन्जॉय करेंगे। मौसम जो है ना पहले तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अब जो मौसम है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना बदल चुका है। मतलब कल रात को बारिश हुई है, और कल दिन में भी बारिश हुई ना, कल दिन में तो हम नहीं थे पहुंचे, दिन में अभी थी बारिश। हाँ थी थोड़ी ज्यादा, नहीं थोड़ा ही थी बारिश। अच्छा अच्छा, मतलब कि जी बारिश जो है ना हुई थी, कल दिन में भी हुई थी और शाम में भी जो है वो बारिश हुई है, और अभी मौसम जो है ना वो काफी अच्छा हो चुका है। रेस्क्यू एनवायरमेंट हो यार जो भी जा रहा है, अल्लाह पाक इसकी खैर रखे, अल्लाह पाक इसे सेहत दे अगर किसी इमरजेंसी में है तो। मैं जब भी कोई एम्बुलेंस देखता ना, मेरे जहन में यही, दिल में यही दुआ आती है मेरे। तो अभी जरा सफर काफी सारा है, और अभी जरा ये सफर ना पैदल ही तय करना है, तो अभी जरा थोड़ी देर चलते हैं, और ये सारी रोड एंड तक लेके जानी है, और जरा थोड़ा सा जब करीब पहुंच जाते हैं ना फिर जो आगे है ना आपसे बात करता हूँ। यरा व्यूवर्स, काफ़ी देर चलने के बाद भी ना अभी जो है, अभी भी सफ़र जो है ना वो काफ़ी सारा रहता है। अभी हम तकरीबन ये सड़क की जो है ना वो एज तक जो है हम पहुँचने वाले हैं, और जब ये सड़क की एज भी हम पहुँच जाएंगे तो हम यहाँ से राइट ले लेंगे, क्योंकि गाँव का रास्ता जो है ना यहाँ से राइट होके आता है, और बड़ा मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं, ज़रा यहाँ का माहौल भी जो है ना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मेरी लेफ़्ट साइड पे, मेरी राइट साइड पे, लेफ़्ट पे मेरे एक गांव है, वो उसका नाम अलग है, वो अस्ताना कहते हैं इसको, इस गांव का नाम अस्ताना है, और मेरी राइट साइड पे जो गांव है इसको वासु कहते हैं। दोनों गाँवों को मिला के वासु अस्ताना कहा जाता है, और साथ ही तीसरा गाँव है जी मुनीराबाद कहते हैं उसको, और वहाँ वहीं पर अभी हम जा रहे हैं जी शादी में शिरकत के लिए। और यहाँ पर जो है ना जी फसलें, जैसे आपको पता है कि गंदम की कटाई जो है ना वो हो चुकी है, तो अभी जरा ये जो रकबा है ना, ये मोस्टली रकबा यहाँ पे जो है वो खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि फसल अभी इन्होंने नई काश्त नहीं की, अभी नई काश्त करेंगे। धान की फसल लगती है यहाँ पे, बहुत अच्छी धान की फसल लगती है, और लेकिन धान कब तक काश्त करते हैं जी वकार भाई, धान कब तक काश्त करते हैं यहाँ पे? तकरीबन अगले महीने होगा, अगले महीने, मतलब कि अगले महीने, अभी मई चल रहा है ना, मई जून, जून में जी धान की फसल काश्त करते हैं, और उसको फिर इतना पानी लगाते हैं, इतना पानी लगाते हैं ना मज़ा आ जाता है। साथ वो चल रहे होते हैं ट्यूबवेल्स, पानी इतना खुली मकदार में होता है ना, मैं लास्ट टाइम आया था, इतना ना आया था यहाँ पे, इतना ना आया था कि जब मैं घर गया था ना तो मुझे नज़ला ज़ुकाम और ये मामला मेरे साथ हो गए थे, और फिर काफ़ी दिन के बाद जो है ना रिकवरी की थी। अभी ज़रा फसलों की सैर मैंने बिल्कुल भी नहीं की, इतना मसरूफ़ था, रात के तकरीबन, रात के नहीं फजर के टाइम हम लोग पहुँचे हैं, और उसके बाद मैं फिर सुबह मंडी चला गया हूँ, फिर थोड़ी देर सोया हूँ, फिर उठ गया हूँ, फिर अभी तैयारी वगैरह की है मेहंदी में जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है शादी वाले घर में ना ज़रा आराम करना नसीब नहीं होता,
क्योंकि सारी फैमिली जो है इकट्ठी होती है, सारे छोटे बड़े मोटे सारे कजन आ जाते हैं और बिल्कुल भी जो है ना वो आराम का टाइम नहीं मिलता, बस आपने इंजॉय करना होता है। बस अभी भी हम भी वही इंजॉय करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं और अभी आगे जाके आपको एक मरतबा दोबारा से दिखाऊंगा। ये व्यूवर्स अभी आप देख लेना कि यहाँ पे जो है ना गंदम के गड्ढे जो है ना वो बंडल्स बना के, गंदम की कटाई तो क्योंकि हो चुकी है और यहाँ पे भी गंदम के जो बंडल्स वगैरह हैं वो इन्होंने बना के जो है ये रखे हुए हैं। और ये जी मेरे सामने ये जगह ना मुझे बड़ी हॉन्टेड किस्म की लगती है। दरख्त भी आप देखें ना किस तरह हॉन्टेड किस्म के लग रहे हैं और यहाँ पे मैं कभी रात को गुजरूँ ना तो यकीन माने मज़ा भी आता है। और वेदर यार इस तरफ जो है वो बादल छाए हुए हैं बारिश के, आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ भी आ रहे हैं, तो मामला मुझे ये लग रहा है कि जी आज बारिश का माहौल बन रहा है और बारिश हो जाएगी, क्योंकि बादल कल भी इसी तरह थे और आज भी जो बादल हैं वो इसी तरह ही हैं और बारिश का जो है ना वो टोटली माहौल बन रहा है। और मुझे उम्मीद है जी कि थोड़ी देर तक जो है ना वो बारिश हो भी जाएगी। सामने अभी एक भाई आए हैं, इधर इनसे मिलते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। जैनब कैसी हो, ठीक हो, क्या देख के आई हो, बहुए हैं यहाँ पे, बहुए बहू करो ना बहू व्यूअर्स मैं आपको बताता हूँ कि बहू क्या चीज है। अभी तरह ये जा रही है, डरी हुई है, आपको बताता हूँ मैं इसकी हिस्ट्री सारी। बहु मनूस है यार जड़ी सहन हाथ पावे वो बंद हो जाती। अभी बस कुछ लोग होते हैं ना वो मिट्टी को हाथ डालें तो मिट्टी जो है वो सोना बन जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोने को हाथ डालें तो सोना जो है वो मिट्टी बन जाता है। तो यार इसमें ट्यूबवेल अच्छा खासा चल रहा था, इसको जलता हुआ अच्छा नहीं लगा, इसलिए जैसे ही पानी पीने की कोशिश की है ना जी तो ट्यूबवेल जो है ना वो बंद हो गया। तो व्यूअर्स मैं ना आपको बता रहा था बव्वे के बारे में, बव्वा क्या चीज़ है। और छोटी बच्ची आई है ना वो मेरे मामू की बेटी है छोटी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वैसे तो मेरी कज़न ही बनती है वो, लेकिन शी इज़ मोर देन अ डॉटर टू मी, वो मेरे लिए बेटियों की जैसी है। तो उसका सीन ये है ना कि वो बव्वों से डरती है। बव्वा क्या चीज़ है, बव्वा वो कहती है जी भैंस को मज को, ठीक है, मतलब कि वो जो गाय नहीं होती, नहीं गाय इज अ डिफरेंट थिंग, वो जो काली भैंस होती है ना वकार, तुम तो डॉक्टर भी हो ना उनके, तुम्हारे तो मरीज हैं सारे, जितनी भी गायें भैंसे हैं, जैसे सामने गायें भैंसे खड़ी हुई हैं सारी इसकी मरीज हैं, इनकी इसकी पेशेंट हैं, इनका ट्रीटमेंट करता है। तो जो भैंस है ना जी उसको वो बवा कहती है और भैंसों से बहुत डरती है, क्योंकि हमारे इस्लामाबाद में ना जो भैंसें वगैरह हैं होती तो हैं लेकिन जो उनके बाड़े होते हैं वो ज़रा शहर से ज़रा हट के होते हैं, साइडों पर होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक गांव है और यहाँ पे ज़रा गांव का माहौल भी है और यहाँ पे जगह जगह पे ना आपको भैंसें गाय नज़र आती हैं, ठीक है। तो आज वो इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी ना, कहती है कि मैंने आज बव्वे देखे हैं, इतने ज़्यादा बव्वे देखे हैं मैंने। तो आज हमारी जो बेटी है ना, सब्सक्राइब खुर्रम मलिक व्लॉग्स यूट्यूब पे, खुर्रम मलिक व्लॉग्स आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, लिंक सेंड करेंगे आपको इंशाल्लाह। यार अच्छा जी ये भी कोई गांव के कौन लोग थे जी, जानते हैं इनको, जानते हो ना, करीबी हैं तो लिंक भेजोगे, ये ना मैं वैसे मैंने कहा था लिंक भेजेंगे, पता लगे तुम भेजो ही नहीं यार, भेज दूंगा। वो उन्होंने यार इतनी शौक से कहा है तो यार उनको लिंक लाजमी भेजना है और उनसे मुलाकात भी करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। यार फैंस अल्लाह इतनी खुशी होती है ना जी जब ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं ना, आए हाय खुशी हो जाती है यकीन करें। तो व्यूअर्स अभी हम ना जरा करीब पहुंच गए दूसरे गांव के, तकरीबन मगरिब होने वाली है, असर के बाद हम लोग निकले थे और अभी हमें तकरीबन आधा पौना घंटा तो हो गया होगा हमें चलते हुए, और साथ जो है ना बारिश का सीन भी बन रहा है और बारिश भी जो है ना शुरू होने वाली है। अल्लाह करे बारिश होने से पहले पहले ना हम जरा पहुँच जाएँ उधर, और बस अभी थोड़ा सा सफ़र रह गया, अभी आगे चलते हैं और आगे अभी मैं आगे जो आगे आपसे बात करूँगा जरा शादी वाले घर पहुँच गया। व्यूअर्स ये होते हैं जी बव्वे, ये जो भैंस खड़ी हुई है ना इसको वो बच्ची जो है ना वो बव्वा कहती है। यार ये मेमा माशाल्लाह कितना क्यूट सा है। व्यूअर्स अभी हम पहुँच गए थे शादी वाले घर और 7 बज गए, मगरिब हो गई है, अंधेरा हो गया और बारिश भी जो है ना होने वाली है बिल्कुल। ये सामने जो है जी टेंट लगाए हैं मैं, इसके अंदर सारा जो है अरेंजमेंट हो रहा है और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ जी यहाँ पर खाने का अरेंजमेंट, ये देखे वगैरह आप देख सकते हैं, एक देख जो है वो अभी तैयार हो रही है सामने। और ये
ये होनी है गालिबन, और ये शायद हो चुकी है। और एक देख जो है ना वो सामने तैयार कर रहे हैं अंकल, और सामने जी यहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ से जी सामने से थंडर स्टॉर्म होते हुए, बारिश का माहौल बनते हुए, और जी मुझे है कि बारिश होने वाली है, और अभी अंधेरा भी हो गया है। सामने अभी लाइटिंग का काम चल रहा है, जरा मैं अंदर जाके भी आपको दिखाता हूँ ना। और यहाँ पे जी क्या मामला है, यहाँ पर जी अभी तो अंधेरा है, यहाँ पे लाइट अभी यहाँ पे लग जाएगी, लाइटिंग जब हो जाती है ना तो फिर आपको जो है ना यहाँ का एक व्यू दिखाएंगे। कह रहे हैं कि अभी नमाज के बाद अभी जो इनका प्रोग्राम है आधे घंटे का वो करेंगे, फिर खाना वगैरह खिलाएंगे, बस फिर दुआ शुआ करके जी फर्क, और कल की जो है वो बारात होगी। तो अभी जैसे ना कि होता है ना कि मामला, तो आपको मैं फिर दिखाऊंगा उसके अंदर। व्यूअर सीन ये है कि जिस चीज़ का डर था जी वही हुआ है, और बारिश जो है वो बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई है। बारिश में अभी जी ओले पड़ रहे हैं, और जिस चीज़ का डर था बस वही काम हुआ है। आप देख सकते हैं कि बाहर अंधेरा हो चुका है, लेकिन अभी जो है ना ये बारिश लगी हुई है। अभी भी मैं ज़रा नीचे शेड के नीचे खड़ा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मेरे ऊपर बारिश नहीं पड़ रही, लेकिन अलबत्ता बारिश बहुत तेज़ हो रही है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो टेंट है ना, टेंट भी जो है ना ये लीक होना शुरू हो गया है। तो अभी ज़रा देखते हैं आगे क्या मामला आते हैं। फिलहाल तो जो है ना बारिश शुरू होगी, और काफ़ी हैवी वाली शुरू हुई है। व्यूअर्स यहाँ पर जो है ये अरेंज किया था, और ये आप देख लें जी कि टेंटों का जो है वो क्या हाल हो गया है। एक तो लाइट भी चली गई है, और ऊपर से ये चेक कर लें सारे टेंट जो है ना टेबलों के ऊपर आके गिरे हैं। मैं भी आपको इधर आगे जाके दिखाता हूँ ये बारिश होने की वजह से जी। बारिश तूफ़ानी बारिश हुई है, जितना भी अरेंजमेंट था यहाँ पर वो सारा ये चेक कर लें जी, सारा जो है ना ये टेंट गिरा पड़ा है यहाँ पे ये तूफ़ानी बारिश होने की वजह से। जो आज का जो प्रोग्राम था जी फिलहाल के लिए तो वो डिसमिस है, शायद थोड़ी देर तक इसको कोई करते हैं, लेकिन अभी के लिए तो ये सारी सिचुएशन है। मैंने कहा चलें आपको ज़रा दिखाता हूँ मैं ये सिचुएशन। व्यूअर्स रात के 11 बज रहे हैं, और अभी जाके ना कोई माहौल बना है, क्योंकि पहले हमने खाना वगैरह खिलाया, बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, वो सारे जो टेंट वगैरह बाहर लगाए थे सारी उखड़ गए थे, कुर्सियाँ गीली हो गई थी, और वहीं पे हमने दोबारा से यार कुर्सियाँ अरेंज करवाई और वहाँ पे बिठा के खाना खिलाया सबको। खाना खिलाया और अभी रात के 11 बज रहे हैं, और मौसम अभी जाके क्लियर हुआ है, और बारिश जो है वो रुक गई है। इतने में मैंने सोचा यार मैं जरा छत पे आता हूँ और देखता हूँ कि क्या मामला चल रहे हैं, और जरा देखते हैं हमारे जो दूल्हे साहब हैं अगर वो तैयार हो चुके हैं, और जाके जरा उनसे मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारे दूल्हे साहब जी। सर माशाल्लाह आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, कांग्रेचुलेशन। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था, तकरीबन ये 20 मिनट की वीडियो होगी, और 20 मिनट में कुछ सेकंड का क्लिप है जिसमें आप आ रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज? माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज आपने ना हमारे लिए भी दुआ करनी है, ठीक है? आपस की बात है, चले अभी आप नीचे आते हैं ना, आपकी तरह थोड़ी मस्तियाँ वगैरह भी करेंगे। अभी यार ये मुजम्मिल भाई है, अभी जरा रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, अभी इन्हें यहाँ से नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि पहले वाला जो हमारा जो प्रोग्राम था वो तो बढ़ गया था ना, तो अभी जो अभी नया प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो नए प्रोग्राम में इंशाल्लाह उसको हम नहीं बढ़ने देंगे, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में अल्लाह खैर रखेगा। अभी हम भाई को नीचे लेके जाएंगे, और नीचे फिर जो प्रोग्राम है मेहंदी का मैं उसमें आपको भी शामिल कर लूंगा। यार व्यूअर्स जी सीन ये है कि टाइम हो गया जी रात के 3 हो गए हैं, और अभी तक वहाँ पे जी मामला ऐसे ही चल रहे हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया था, और तबीयत कुछ अजीब सी थी, मोबाइल की बैटरी मेरी लो हो गई थी, और अभी मैंने घर आके चार्ज की, और मेरे पास एक फाइनल टच जो है मैंने कहा चलो यार मैं दे दूँ। और वहाँ पर जो है मेहंदी का फंक्शन अभी जारी है, और ये थी कि मेरी सारी रात जारी रहेगा,
मैं क्योंकि कल भी मैंने सफ़र किया है और मैं ये कह रहा था कि आज अगर मैं थोड़ा सा सो जाऊँ ना, थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ तो आराम ज़रा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सुबह फिर बारात है और बारात के लिए उठना है टाइम से और टाइम से जाना है। बारात भी ज़्यादा दूर तो नहीं रहेगी, इसी गाँव के अंदर ही है, लेकिन फिर भी सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं। तो आज वाला जो व्लॉग है वो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है जी आपको पसंद आया होगा। ये ज़रा सारे जो मोमेंट्स थे, खुशी का मौका था, तो मैंने कहा यार मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी जो हैं ये खुशी का मौका देखें, और मैंने कहा चलो यार हमारी मेहंदी के ऊपर ना मैं एक व्लॉग बना लेता हूँ। तो मुझे उम्मीद है जी आपको आज वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको जी लाइक करना, सब्सक्राइब करना जी, और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल खुर्रम मलिक व्लॉग्स को लाजमी सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आगे भी आपको इस तरह के व्लॉग्स जो हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे एक अगले व्लॉग में। देखते रहिए खुर्रम मलिक व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।